हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी मैकेनिक्स की नेक्स्ट क्लास। कल हमने क्या पढ़ा था? गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्यों केंद्रीय बल कहा जाता है, इसका रीजन हमने पढ़ा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि गुरुत्वा बल के कारण कोई कण है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर अगर गति करता है, जो कि केंद्रीय बल है, तो उस पर उन दोनों अगर दो पिंडों के मध्य कार्य कर रहा है तो दोनों पिंड का एक दूसरे पर लगने वाला जो आकर्षण बल होगा उसकी प्रकृति क्या होगी? आकर्षण प्रकृति की होगी, ठीक है। और आकर्षण प्रकृति की होगी, परिमाण समान होगा, जबकि दिशा उनकी कैसी होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। क्लियर है इतना? तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? केपलर की गति के नियम। केपलर ने तीन नियम दिए थे कणों की गति के लिए, तो हमने कल वो तीनों नियम पढ़े। क्लियर है इतना? जिसमें से सेकेंड नियम जो हमने पढ़ा, जिसको हमने क्षेत्रफल का नियम कहते हैं या क्षेत्रीय वेग का नियम भी हम कह सकते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि क्षेत्रीय वेग क्यों नियत रहता है, उसकी हमने डेरिवेशन पढ़ी। और मोस्टली आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो वो इस तरीके से या तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा, किसी एक नियम की स्टेटमेंट पूछ लेगा, या फिर अगर कोई बड़े क्वेश्चन में देते तो आपको ये बोलेंगे कि ग्रहीय गति के तीनों नियम क्या है, तीनों बताओ, और उसमें से डिराइव करने के लिए आपको कौन सा बोलेंगे? क्षेत्रीय नियम, ठीक है। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी डेरिवेशन करवाई थी, क्योंकि आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए हम तो कल हमने लास्ट में बात की थी कि कल हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के कारण ये जो हमने गति के समीकरण पढ़ी इस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में, ठीक है। तो जिसमें कि बड़ी सारी डेरिवेशन हमें करनी होगी, तो हेडिंग दो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत जब कोई कण किसमें गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया उसके ऊपर हो रही है, ठीक है, इसके अंतर्गत कण की गति का सामान्य हल। कण की गति का सामान्य हल, जनरल सॉल्यूशन फॉर मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए फोर्स के साथ एक सेंट्रल फोर्स होते हैं, तो पृथ्वी बल एक केंद्रीय बल है जिसके कारण ग्रह अपनी कक्षा में स्थित होते हैं। देखो, अगर अपने किसी भी ऑर्बिटल में वो लोग स्थित हैं तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऐसा लग रहा है जो कि उनको वहां पर बैलेंस रखता है, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं रखता तो वो फ्री स्पेस में होता है, कोई भी प्लेनेट होता है, कोई भी ग्रह फ्री स्पेस में है, वो त्रिविम आकाश में है, तो वहाँ पे स्थिर कैसे रह सकता है? हो सकता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको नीचे आ जाना चाहिए था, क्यों? क्योंकि उस पर गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया हो रही है। लेकिन हमने बात की कि उस पर एक केंद्रीय बल होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है उस पर वो एक केंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है, और उसकी क्रिया रेखा कहाँ होती है? जो भी हमारा ग्रह है उसके केंद्र से होकर गुजरती है, जिसके कारण से हमारा कोई भी प्लेनेट होता है वो कहाँ अपनी कक्षा में स्थित होता है। क्लियर है इतना, ठीक है। और दूसरी चीज हम क्या पढ़ चुके हैं कि कोई भी कण है, हमने क्या देखा कि केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी भी कण की एक तो कुल गति ऊर्जा और कुल कोणीय संवेग दोनों कैसे संरक्षित होते हैं। दूसरा हम लिखते हैं केंद्रीय बल के अंतर्गत कोणीय
कुल ऊर्जा संरक्षित होते हैं, कंजर्व रहते हैं। इतनी बातें हमें पता है ऑलरेडी। तो हम देखते हैं कि इसके कारण कोई भी कण है, कण की गति के जो हमने समीकरण पढ़े उनका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। जो आपने दो इक्वेशंस पढ़े थे उन इक्वेशन के अगर हम सॉल्यूशन निकालने की बात करें, मतलब कि सॉल्यूशन क्या, अगर आर के फॉर्म में है इक्वेशन तो हम एक तरह से आर की वैल्यू निकालना चाहें तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी सारी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक स्टेप आप समझते जाना और खुद साथ में ग्राफ कॉपी भी लेकर के बैठना, ताकि आपको कोई स्टेप यहाँ समझ में नहीं है तो आप फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखो, ताकि क्लियर हो जाए क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करें, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया है, उसके अंतर्गत हम केंद्रीय बल को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। गुरुत्वीय बल जो लगता है एक प्रकार से, कल जो हमने पढ़ा था गुरुत्वीय बल पढ़ा था, तो वो बल किस प्रकार का था, हमने ये देखा कि वो बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये फर्स्ट पॉइंट ये लिखते हैं, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत बल था। ठीक है, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत जो हमारा केंद्रीय बल है वो किसका पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का। ठीक है, तो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत संबंधित केंद्रीय बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम मतलब जो प्रोपोर्शनल टू 1/r² का। ठीक है, ये एक तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, और किसके व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ ऑफ आर, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमने क्या लिखा था, वेक्टर एफ ऑफ आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने जी दे रखा था। ठीक है, कॉन्स्टेंट मान लो हमने कोई भी कॉन्स्टेंट लिख दिया, के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू में आर कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी हमारी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हो गई। आप चाहो तो इसको आप नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, या हम ये लिख लेते हैं, या नॉर्मली आप f बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस a बाय r स्क्वायर। ठीक है, समीकरण एक दे दो, या आप लिख लेना सदिश रूप में ये। संरक्षी बल होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कण की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। टोटल एनर्जी E जो कि कंजर्व थी, ठीक है, किसकी इक्वल थी, U
प्लस 1 अपॉन 2 जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर पे क्या थे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है, 1 बाई 3 एम इंटू डी आर बाई डी टी स्क्वायर, 1 बाई 2 एम इंटू डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, जो भी किसके जैसा है 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर जैसा है, इक्वेशन नंबर 2।
थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू डी थीटा को इधर लेकर के जाए और डी आर अपॉन में पूरी वैल्यू को हम यहाँ लेकर के आएंगे, ठीक है। तो डी आर अपॉन में, अब डी आर के अपॉन में पूरी वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, ये इसके भी अपॉन में, मतलब ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्या बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास एम आर स्क्वायर अपॉन जे, ठीक है, और इनटू में ये पूरी वैल्यू हमारे पास ऐसे तीस आ जाएगी, जैसे कि आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, ये वैल्यू हमारे पास जे अपॉन एम आर स्क्वायर है, तो यहाँ भी वैल्यू क्या होगी, एक तरह से एम आर स्क्वायर और अपॉन में जे, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ से मिटा करके एम आर स्क्वायर ऊपर अपॉन में जे लिख सकते हैं, यहाँ अपॉन में जाएगा तो डी आर डी थीटा का वैल्यू यहाँ आ जाएगा और डी आर के अपॉन में वैल्यू ऐसे इस तरीके से कर लो जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। इनटू में क्या है, टू अपॉन एम E माइनस यू आर प्लस जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां से हम देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिल रही है, एक तो हम ले लेते हैं, अब यहां से देखो डी थीटा का मान हमें यहां से मिल गया, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करें, अंदर हमारे पास m है ऑलरेडी, ठीक है, तो हम बाहर से एक तो m और दूसरी चीज j, एक जगह हमें अंदर j भी दिख रही है, ठीक है। m और j इन दोनों को हम इस ये जो अंडर रूट है अंडर रूट के अंदर लेकर के जाएंगे, अंडर रूट के अंदर ले जाने का मतलब क्या है कि m है तो अंडर रूट के अंदर ऑब्वियसली सी बात है m स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तभी अंडर रूट से बाहर आकर के हम ये m रह जाएगा, ये j है तो अंडर रूट के अंदर हो किसके j स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तभी बाहर आकर के होगी इसमें ओनली j के फॉर्म में रह जाएगा, क्लियर है। तो हम यहाँ से देखो इन दोनों को अंदर लेकर के जाते हैं, इसलिए इनको मैंने गोला लगा दिया है, एम और जे इन दोनों को हम अंडर रूट के अंदर लेकर के जा रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी आर अपॉन, बाहर तो ओनली आर स्क्वायर रह गया अंडर रूट में, टू अपॉन एम ऑलरेडी है, एम का अंदर ले जाओगे तो अंदर एम स्क्वायर के फॉर्म में होगा, मतलब ये एम स्क्वायर, और अपॉन में जे भी जे स्क्वायर के फॉर्म में, तो अपॉन जे स्क्वायर, ठीक है। और ये इस पूरे के मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है, तो हमें एक एक स्टेप से अभी अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बाकी वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं हम, यू माइनस यू आर प्लस जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ हमारे पास एक तो एम से एम कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, टू एम अपॉन जे स्क्वायर के टर्म में, ठीक है, लिख लीजिए इसको, हम नेक्स्ट स्टेप पे इनको अंदर इस पूरे ब्रैकेट को खोल करके और सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, डी आर एज इट इज अपॉन में आर स्क्वायर को बाहर ही रहने दो, एज इट इज आर स्क्वायर आ गया, अंडर रूट के अंदर हमारे पास यहाँ से क्या बच रहा है, टू एम अपॉन जे स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, टू एम अपॉन जे स्क्वायर बच रहा है, एम से एम कैंसिल हो गया, तो टू एम अपॉन जे स्क्वायर को अंदर हम एक एक स्टेप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें फर्स्ट में क्या मिल जाएगा, टू एम ई अपॉन जे स्क्वायर, टू एम ई अपॉन जे स्क्वायर, क्लियर है। माइनस है अंदर, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, दोनों क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो माइनस एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एम अपॉन जे स्क्वायर इंटू यू आर, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में क्या है, टू एम अपॉन जे स्क्वायर, ये थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे 2m अपॉन जे स्क्वायर है, थर्ड टर्म से यहाँ से मल्टीप्लाई होगा जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर से, तो यहाँ पे जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल और 2m से 2m भी कैंसिल, मतलब ओनली कितना बच जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर ई, सॉरी ई नहीं आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी पूरी वैल्यू मिल गई, हमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। डी थीटा बराबर, ये डी थीटा की हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर की, क्लियर है। अब हमें इस डी थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल कर सकते हैं, यहाँ डी थीटा के फॉर्म में डी आर के फॉर्म में, तो एक तरफ थीटा के लिए इंटीग्रल कर दो और एक तरफ आर के लिए इंटीग्रल करो, लिखेंगे समाकलन करने पर
करने पर डी थीटा का, तो डी थीटा का थीटा की कोई भी प्रारंभिक वैल्यू आप थीटा नॉट मान सकते हो, थीटा नॉट से लेकर के किसी थीटा वैल्यू तक हम इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई फिक्स वैल्यू पता नहीं है, इसलिए कोई भी एक प्रारंभिक वैल्यू हम मान सकते हैं। जैसे हमने थीटा नॉट मान लिया, तो हम यहाँ तो इंटीग्रल कर देते हैं थीटा नॉट से थीटा तक, थीटा नॉट से थीटा तक इसका डी थीटा का, और बराबर यहाँ पे हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रल, आर के रिस्पेक्ट में। तो थीटा नॉट के रिस्पेक्ट में आर नॉट, आर का मैग्नीट्यूड क्या ले लेते हैं, आर नॉट से आर तक, आर नॉट से आर तक वैल्यू पूरी की पूरी एज इट इज लिख देंगे, डी आर अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट टू एम ई अपॉन जे स्क्वायर माइनस टू एम अपॉन जे स्क्वायर इंटू यू आर माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, चलो तो दोनों तरफ यहाँ पे इंटीग्रेशन करो, क्या वैल्यू आएगी, यहाँ तो देखो डी थीटा का सिंपल सा हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट, क्लियर है, इक्वल टू। यहाँ पे एक बार हम वैल्यू एज इट इज रख देते हैं, आर नॉट से आर के लिए हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, डी आर अपॉन अंडर रूट टू एम ई अपॉन जे स्क्वायर माइनस टू एम अपॉन जे स्क्वायर इंटू यू आर माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर का, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, यू आर की वैल्यू, यू हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है यू आर का वैल्यू, ठीक है, और यू आर बराबर होता है माइनस के अपॉन आर, यू आर इक्वल टू, आप सब जानते होंगे यू आर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस के बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम यू आर की ये वैल्यू डाल देते हैं किसके फॉर्म में, माइनस के बाय आर के फॉर्म में, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इंटीग्रेशन आर नॉट से आर के लिए डी आर अपॉन अंडर रूट, देखिए यहाँ टू एम ई अपॉन जे स्क्वायर एज इट इज माइनस टू एम अपॉन जे स्क्वायर, यू आर का वैल्यू यहाँ से हमने डाल दिया माइनस के बाई आर, तो माइनस माइनस प्लस और के अपॉन आर, क्लियर है। इस के को हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं, के कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये टू एम अपॉन जे स्क्वायर आर इंटू में के और माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज, क्लियर है, यहाँ तक तो अप्रोच हो गया। अब इसके बाद में हमें जैसे इसको सॉल्व करना है वन अपॉन आर स्क्वायर का, क्लियर है, तो वन अपॉन आर स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हम क्या माने, सबसे पहले हमें जैसे यू की वैल्यू है यू बराबर, ये हमने यू ऑफ आर लिया है किसी वेक्टर फॉर्म में आर वैल्यू के लिए, ठीक है, जब यू किसका है किसी आर का फलन है, किसी स्थिति आर का फलन है, तब यू की अगर हम जनरल वैल्यू लें तो यू बराबर होता है वन अपॉन आर, नेक्स्ट, ठीक है, ये वाला हमने एक तरह से इसमें यूज में ले लिया, ये स्टेप हमने यहाँ पर यूज में ले लिया और इसके बेस पे हमने यू की वैल्यू क्या रख दी, के बाय आर, क्लियर है। अब उसके आगे जैसे हम यहाँ देखते हैं कि माना या माना क्या ऐसा होता है, ये तो चूंकि यू आर यू इक्वल टू नॉर्मल, अगर हम यू लेते हैं किसी वेक्टर फॉर्म में नहीं लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर क्या होती है, एक्चुअली वन अपॉन आर के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर आप इसका डिफरेंशियल करके डी यू निकालो तो डी यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, वन अपॉन आर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, क्लियर है, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डी आर, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और उससे पहले हम इसके डी आर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी आर बराबर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी यू, माइनस आर स्क्वायर इंटू डी यू के फॉर्म में हो जाएगा, क्लियर है। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं इसकी,
आर की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यू की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिवली, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों ली। यहाँ हमने नेगेटिव ली जब हमने उसको वेक्टर फॉर्म में रखा है, कि यू जब किसी आर स्थिति का फलन है। जैसे कि अभी हमने बल का लिए पढ़ा था, बल एफ बराबर हम नॉर्मली तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, के अपॉन आर स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। जब हम उस पर वेक्टर साइन लगाते हैं तब जा करके वहाँ नेगेटिव मान आता है। नेगेटिव क्यों आता है, वो ऑनली उसके डायरेक्शन को बताता है कि मतलब बल कैसे आकर्षण प्रकृति का है। इस वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आता है। फॉर्मूले में नेगेटिव नहीं है, जब आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो नेगेटिव आएगा। सेम होता है पोटेंशियल एनर्जी के साथ में, कि जब हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो हमने कोई कांस्टेंट माइनस के बाय आर के टर्म में लिखा है। अगर हम नॉर्मली यू की वैल्यू लिखते हैं विदाउट वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, तो यू बराबर होता है 1/r, ठीक है। जहाँ से हमने डी यू निकाला डिफ्रेंशिएट करके, और यहाँ से हम आर की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, माइनस आर स्क्वायर इंटू में डी यू। तो यहाँ से हम ये आर की वैल्यू यहाँ पुट करें तो देखो ये वैल्यू हमारे पास क्या थी, थीटा माइनस थीटा नॉट के ऊपर थी। थीटा नॉट को हम इधर ले जाते हैं तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा ओनली थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस इंटीग्रेशन आर नॉट से आर के लिए डी आर की वैल्यू यहाँ से रखती है माइनस आर स्क्वायर इंटू डी यू, तो आर स्क्वायर इंटू डी यू और माइनस आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, माइनस आ गया यहाँ पे। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज है ना तो आप यहीं पे इसे चेंज कर लो, यहीं पे थीटा बराबर कि थीटा नॉट को हमने यहाँ भेज दिया प्लस का है, क्लियर है। अब क्लियर रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम डी आर की वैल्यू रख रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर इंटू डी यू और अपॉन में वैल्यू एज इट इज लिख दो, यहाँ आर स्क्वायर भी तो था बाहर, आर स्क्वायर शायद हमने मिस कर दिया, वो लिख लेना आप सारे स्टेप्स में। बाहर आर स्क्वायर तो एज इट इज बच रहा था ना हमारे पास, टू एम अपॉन जे करता था और हमारे पास वैल्यू क्या आर स्क्वायर की तो बच रही थी, ठीक है। वो पीछे जितने स्टेप्स में भूल गए हो वहाँ वहाँ पर भी आप लिख लेना, यहाँ पे इंटू में आर स्क्वायर था, टू एम अपॉन जे स्क्वायर था, वहाँ से कैंसिल हुई थी हमारे पास वैल्यू, तो ऑनली आर स्क्वायर हमारे पास बच गया था, एम और जे को हमने अंदर ले लिया था, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर लास्ट भी जा रहेगा, वहाँ पे आप लोग लिख लेना इसको आर स्क्वायर को। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर एज इट इज है और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, टू एम ई अपॉन जे स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन आर जे स्क्वायर इंटू में के माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, ये बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगा, थीटा नॉट माइनस इंटीग्रेशन आर नॉट से आर डी यू अपॉन अंडर रूट टू एम ई अपॉन जे स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन आर जे स्क्वायर इंटू के माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। इसकी वैल्यू है थीटा इक्वल टू, नोट कर लो। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से यू की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि यू बराबर क्या है हमारे पास, वन अपॉन आर के बराबर है, ठीक है। अगर हम यू का स्क्वायर कर लें यहाँ से, यू स्क्वायर तो बराबर क्या मिल जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। अब ये यू और यू स्क्वायर दोनों की वैल्यू डालते हैं, कहाँ डालोगे, एक तो देखो यहाँ से आपको मिल रहा है वन अपॉन आर, ऊपर वन है वन अपॉन आर, क्लियर है। वन अपॉन आर की जगह हम यू रख सकते हैं और यहाँ हमें मिल रहा है क्लियरली वन अपॉन आर स्क्वायर, जिसकी जगह हम यू स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब यहाँ दोनों की आर की वैल्यू जब दोनों की दोनों चेंज कर रहे हो तो आर के रेस्पेक्ट में थीटा की वैल्यू भी कुछ ना कुछ चेंज होती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो थीटा नॉट है वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट डैश मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि
पहले हमने आर किसके थीटा के रेस्पेक्ट में लिया था, जब थीटा की वैल्यू थीटा नॉट है तो उसके रेस्पेक्ट में आर इक्वल टू आर नॉट लिया, थीटा है तो उसके रेस्पेक्ट में आर लिया। अब हम आर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, तो इसके रेस्पेक्ट में थीटा की वैल्यू भी कुछ ना कुछ चेंज हुई, ठीक है। हम रीजन नीचे बाद में लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा नॉट डैश माइनस आर नॉट से आर इंटीग्रेशन डी यू अपॉन अंडर रूट टू एम ई अपॉन जे स्क्वायर माइनस प्लस टू एम अपॉन जे स्क्वायर एज इट इज इंटू के, ठीक है। अब वन अपॉन आर की जगह क्या रख देंगे हम, यू माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर की जगह हमने रख दिया यू स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ लिख लेना वन अपॉन आर एम वन अपॉन आर स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है। तो ये हमारे पास थीटा की एक फाइनल इक्वेशन है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 5। अब हमने थीटा को कंप्लीटली किसमें चेंज कर दिया हुआ है, यू के टर्म में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। यहाँ पे इसका रीजन भी हम नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ चल जो वेरिएबल हमारा क्या था, आर था, आर को हमने कम्प्लीटली अभी इक्वेशन हमारी आर से बिल्कुल यू के टर्म में चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ चल आर को यू में परिवर्तित कर दिया गया है, अतः थीटा के मान में भी परिवर्तन हो सकता है, इसीलिए थीटा को थीटा नॉट को थीटा नॉट डैश से लिखा गया है। क्लियर है इतना। हमने यहाँ पे क्यों चेंज किया, क्योंकि वेरिएबल पहले हमारा आर टर्म में था, हमने कम्प्लीटली पूरी इक्वेशन यू में चेंज कर दी, वेरिएबल चेंज किया तो हो सकता है कि थीटा के वैल्यू में भी थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज ही हो, लेकिन हो सकता है चेंज, इसलिए हमने थीटा के वैल्यू भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी थीटा नॉट डैश के बराबर मान लिया। क्लियर है यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि ये पूरा इंटीग्रेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो ये इंटीग्रेशन किसके जैसा है, हमने से इतने सारे इंटीग्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्व करते हैं, तो हमें देखना है कि ये इंटीग्रेशन कैसा है, हम इसे कौन से फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, कोई माध्यमिक समाकलन, मानक समाकलन मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जिसके जैसा ये है इंटीग्रेशन, सेम जिसके जैसा है, हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं इसकी, dx अपॉन इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, किस फॉर्म में आप ले सकते हो, a प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस सी एक्स स्क्वायर के टर्म में, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के टर्म में। क्लियर है, यहाँ से आप देख सकते हो a कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट है, यहाँ भी हमारे पास ये वैल्यू कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और b के साथ में x आ रहा है, तो यहाँ देखो इस पूरे कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ में x यहाँ पे क्या है, u है, क्योंकि इक्वेशन हमारी जैसे डी एक्स के फॉर्म में, ये इक्वेशन डी यू के फॉर्म में, इसका मतलब x बराबर क्या है हमारे पास, u है यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ पर यू भी आ रही है, ठीक है, प्लस c के साथ में एक्स स्क्वायर, तो c की वैल्यू यहाँ पे इसका मतलब क्या है, माइनस वन है, तो माइनस वन के साथ में जैसे एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर यू स्क्वायर आ रहा है, क्लियर है। इसका मतलब इंटीग्रेशन हमारा बिल्कुल इस टाइप का है। तो इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है वन अपॉन अंडर रूट माइनस सी, ठीक है। अब माइनस सी से मतलब आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे वैसे अंडर रूट अगर किसी माइनस वैल्यू का अंडर रूट आयोटा के बराबर होता है, आयोटा कोई इमेजनरी नंबर होता है, आपको पता होगा माइनस वन जैसे हम लेते हैं जनरली, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस सी हमने क्या है, क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, ताकि वो वैल्यू माइनस की वजह से हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। ये माइनस कब होता है, जब कंप्लीट वैल्यू नेगेटिव ही होती है,
मतलब अभी इन कंडीशन में अगर यहाँ हमारे पास सी ओनली प्लस सी लिया होता हमने, ठीक है, अंडर रूट सी किया होता और सी की वैल्यू अगर हम यहाँ माइनस वन रखते तब ये होता आपका अंडर रूट माइनस वन, तब ये वैल्यू आपकी आयोटा बन जाती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए इसको माइनस सी के टर्म पे लिखा है ताकि हमारी आयोटा नहीं बन सके। आयोटा होता है ना कोई भी इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो माइनस वन अपर अंडर रूट सी और साथ में आपके पास क्या होता है कॉस इनवर्स बी एक्स प्लस सी, ये इसकी वैल्यू है बी एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट डी के बराबर होता है, बी एक्स प्लस टू सी एक्स होता है, सॉरी बी एक्स प्लस टू सी एक्स अपॉन अंडर रूट डी के बराबर होता है। अब डी तो इस इक्वेशन में है नहीं तो डी अलग तरीके से निकालना पड़ता है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला लिखेंगे जहाँ डी बराबर इसका सॉल्यूशन है इस इंटीग्रेशन का, और सेम इस तरीके से ही हमें बाकी सॉल्यूशन भी करना है। तो डी बराबर आपके पास क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये हमारा मानक समाकलन है जिसके जैसा ये है। अब यहाँ से हमें पहचानना है कि ए बी सी की वैल्यू इस इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या होगी। वहाँ से पहले तो हम डी निकाले बी और ए सी को यूज में करके, और डी की वैल्यू यहाँ पर रख करके हम इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करें, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, देखो हम देखते हैं यहाँ से एबीसी की वैल्यू हमें क्या मिलती है। तो अभी हम इसको रहने देते हैं क्योंकि इसको देख करके पहले हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे हमारे पास एबीसी क्या है, तो पहले तो हम सबको पहचान लेते हैं। यहाँ पे ए बराबर टू में क्या मिल रहा है, ए इक्वल टू देखो टू एम ई अपॉन जे स्क्वायर, ठीक है। उस इंटीग्रेशन जो मानक इंटीग्रेशन हमने लिया है वहां से इसको आप कंपेयर करके और फिर एक एक स्टेप को देखो, तो टू एम ई अपॉन जे स्क्वायर है ए की वैल्यू, ठीक है। सेकेंड बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है टू एम के अपॉन जे स्क्वायर, टू एम के अपॉन जे स्क्वायर है। एंड सी इक्वल टू क्या है, सी तो क्लियर ये माइनस वन के बराबर है, क्लियर है। यहाँ से ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है, और अब हम डी की वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का यूज करके। तो डी बराबर पहले हम निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी का स्क्वायर कर दो, सबसे पहले तो टू एम के अपॉन जे स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू लिखते हैं वहां से टू एम ई अपॉन जे स्क्वायर, क्लियर है, और माइनस वन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक तो टू एम के अपॉन जे स्क्वायर एज इट इज, इसका भी होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एट एम ई अपॉन जे स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ हम क्या करें, इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, टू एम के अपॉन जे स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, टू एम के अपॉन जे स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई वन प्लस। अब यहाँ पे आप डिवाइड कर दो एट एम ई अपॉन जे स्क्वायर में, इसको डिवाइड करके आप देखो, देखो हम जैसे रफली थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों को अगर समझ में नहीं है तो आप लोग इसको रफली सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब एक तरह से डिवाइड करना है, हमने यहाँ से ये वैल्यू कॉमन ली, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड करोगे तब तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी बन, इसमें डिवाइड करके देखो। जैसे आपके पास ये है एट एम ई अपॉन जे स्क्वायर, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो इसके स्क्वायर से, स्क्वायर करो इसका क्या हो जाएगा फोर एम स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन जे की पावर फोर हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, जैसे एट एम ई अपॉन जे स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा जे की पावर फोर अपॉन फोर एम स्क्वायर के स्क्वायर, क्लियर है। जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा टू ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं टू ई
स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। क्लियर है? जिसको समझ में नहीं आया वो चाहे रफली थोड़ा इसको नोट कर लेना। हमने बस सिंपल डिवाइड किया है, तो यहाँ से हमारे पास टू ई बच गया और इंटू में ये जे बच गया और अपॉन में क्या बच गया, टू ई जे स्क्वायर बच गया यहाँ से और अपॉन में एम और ए के बच गया। क्लियर है? लिख लो इसको अपॉन एम के स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से एक तरीके से डी का वैल्यू मिला है। अब डी का वैल्यू हमें इसके सॉल्यूशन में क्या लेना है, अंडर रूट डी के बराबर वैल्यू लेनी है। ठीक है ना, तो पहले इतना लिख लो, अब उसके बाद हम सारी के सारी इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पर पुट करके फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखो इस समीकरण पांच में सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं और फिर इसकी वैल्यू लेकर के हम ऐसे चीज इस पांच में लिखेंगे ताकि पूरा हमें थीटा का मान मिल जाए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास डी का मान आ ही गया है। तो देखो सबसे पहले हम ओनली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अभी सॉल्व करते हैं, पूरे को लेकर के नहीं चलेंगे बार बार इतना लंबा लिखो। पहले हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू लिखते हैं। कैसे, आप लोगों ने ये पूरी वैल्यू लिख ली अभी जो लिखवाया था, उसके बाद में आप लोग लिखो इंटीग्रेशन। ऑनली इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई इंटीग्रेशन है हमारे पास इस टाइप का, अंडर रूट टू एम ई अपॉन जे स्क्वायर प्लस टू एम के अपॉन जे स्क्वायर इंटू में यू माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मली हम ऑनली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, आप चाहो तो इसको मिटा दो या फिर रहने दो ऐसे, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने इसका सॉल्यूशन किसके बराबर लिखा था, वन अपॉन अंडर रूट सी, तो वन अपॉन अंडर रूट माइनस सी, तो माइनस और सी की वैल्यू यहाँ से क्या है, माइनस वन, ये तो हमारे पास प्लस वन हो गए। एज इट इज कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स आपके पास किस चीज आ जाएगा। फिर हमने ऊपर वैल्यू क्या लिखी थी, बी प्लस टू सी एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो बी प्लस टू सी एक्स, तो बी की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आएगी, टू एम के अपॉन जे स्क्वायर लिखेंगे, टू एम के अपॉन जे स्क्वायर। उस इंटीग्रेशन से कंपेयर करना, हम अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले हमने इसमें अपॉन में अंडर रूट डी है, इसने डी का वैल्यू निकाल लिया। अब हम इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास ये था, वन अपॉन अंडर रूट सी कॉस इनवर्स बी प्लस टू सी एक्स अपॉन अंडर रूट डी, तो वहाँ हम वैल्यू डाल रही है, हमारे पास बी की वैल्यू हो गई प्लस टू सी एक्स, टू इंटू सी की वैल्यू है माइनस वन और इंटू में एक्स के है हमारे पास यू। ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट डी, तो अंडर रूट डी का मतलब पावर वन बाय टू के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, डी की टू एम के अपॉन जे स्क्वायर का होल स्क्वायर, टू एम के अपॉन जे स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी इंटू में वन प्लस क्या है था टू एम, क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, आप लोगों के पास भी सॉल्व हो रहा होगा, टू ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, टू ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास सही थी, ये हमने एज इट इज को लिख दिया। और क्या था, इस पूरे की पावर है वन बाई टू, क्योंकि ये डी का मान है और डी यहाँ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अंडर रूट के अंदर है, मतलब पावर वन बाय टू है पूरे में। ठीक है, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, इसको थोड़ा सा एक दो इसको और सॉल्व करके देख लो कि आपको यहाँ से क्या रिजल्ट मिल जाता है। तो देखो ये तो आपका माइनस माइनस प्लस और अंडर रूट वन का मतलब वन ही हो गया, मतलब ये वैल्यू तो हट गई, बच गया क्या यहाँ से हमारे पास, एक तो कॉस इनवर्स, क्लियर है, कॉस इनवर्स बच गया यहाँ से। अब यहाँ पर इन दोनों में से माइनस टू यू है, हम यहाँ दोनों में से कॉमन ले लेते हैं अपना टू एम के अपॉन जे स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, टू एम के अपॉन जे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास कितना बच जाएगा, वन माइनस में, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये तो वन हो ही जाएगा हमारे पास, और माइनस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टू कॉमन आ जाएगा, इंटू में बच के जाएगा जे स्क्वायर अपॉन में एम के, तो मतलब वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस वन प्लस यू इंटू में जे स्क्वायर अपॉन एम के, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास बच गई। क्लियर है, यहाँ से एक वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी ये, और प्लस दूसरी वैल्यू डी
अंडर रूट के अंदर है, तो इस वैल्यू को हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब अंडर रूट से बाहर, तो स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या रह जाएगा, ओनली 2mk अपॉन j स्क्वायर रह जाएगा, 2mk अपॉन j स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट के अंदर था ये पूरा, इसका स्क्वायर ओनली कैंसिल हो गई ये वैल्यू एज इट इज, और अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 + 2ej² / mk² ठीक है, इसकी पावर 1/2, क्लियर है। यहाँ से ये एज इट इज हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, नोट कर लो, -1 है, -1
माइनस वन नहीं आना चाहिए था, ये माइनस का आना चाहिए था, क्लियर है। और यहाँ पे अगर हमने माइनस वन लिया है इसका मतलब बाहर हम इसको माइनस का लेंगे, मतलब प्लस आएगा। इसे जो आपने इंटीग्रेशन किया, जहाँ हमने क्या निकाला इसका, ये फाइनल जो वैल्यू हमने रखी थी ऊपर, हमने जहाँ कॉमन लिया वहाँ पे हमारे पास शायद वन आना चाहिए था। चेक करो आप लोग एक बार वापस से, देखो एक बार फिर से देख लो। हमने रफली हमने अभी कहाँ सॉल्व किया था, जब कॉस इनवर्स वन अपॉन माइनस अंडर रूट सी, तो एज इट इज आ गया था बराबर में। कॉस इनवर्स इंटू में क्या आया था हमारे पास, एक तो था बी प्लस टू सी एक्स, तो बी की वैल्यू हमने यहाँ से क्या रखी थी वो फटाफट देख लेते हैं, टू एम के अपॉन जे स्क्वायर हमने रखा माइनस में टू सी एक्स, तो टू इंटू में सी की वैल्यू माइनस वन और एक्स का वैल्यू यू हमने रख दिया, ठीक है। और अपॉन में डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी अंडर रूट में, ये वैल्यू आई थी हमारे पास वन प्लस टू ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, नहीं ये तो हमारे पास शायद कॉमन लेने के बाद आया था ना, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, हाँ डी की वैल्यू हमारे पास थी ये टू एम ई अपॉन जे स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर था टू एम के अपॉन जे स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर था हमारे पास। और इंटू में हमारे पास ये वैल्यू क्या थी, टू एम के अपॉन जे स्क्वायर था, और इंटू में हमारे पास था वन प्लस टू ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर के बराबर, है ना, वन प्लस टू ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ये वैल्यू थी। और इस पूरे की पावर वन अपॉन था, है ना, इस पूरे की पावर में था वन अपॉन टू। तो हमने क्या किया था, ऊपर से हमने कॉमन किया था टू एम के अपॉन जे स्क्वायर में, ठीक है, तो हमने ये लिया था टू एम के अपॉन जे स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, ये तो वन का आ गया और ये माइनस माइनस प्लस होकर के ये प्लस का टू यू, ठीक है ना, तो टू यू, और इसमें हमने इसका डिवाइड किया था, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई थी, जे स्क्वायर यू अपॉन एम के स्क्वायर, जे स्क्वायर यू अपॉन एम के स्क्वायर के टर्म में ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास, क्लियर है। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी, यहाँ पे अपॉन में यहाँ से हमने ये अंडर रूट से बाहर ले लिया था, तो क्या माना हमारे पास आ गया था टू एम के अपॉन जे स्क्वायर, यहाँ से भी बाहर ले लिया तो अंडर रूट में हमारे पास क्या बच गया, वन प्लस टू ई जे स्क्वायर अपॉन में एम के स्क्वायर, ये वैल्यू बच गई थी, इससे हमने ये कैंसिल कर दिया था, यही वैल्यू आ रही थी हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का था सॉरी, तो इस वजह से ये वैल्यू आई है हमारे पास माइनस की, क्लियर है ना। अभी हमने पीछे ये किया, ये वन माइनस में आएगा ना ये वैल्यू, हम यहाँ पे माइनस का वन लिख रहे हैं, इसका मतलब हम एक तरीके से इसको ये तब लिख सकते हैं अगर हम बाहर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बंद हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आप लिख लेना पीछे जहाँ इंटीग्रेशन किया है, यहाँ पे से किसी ने सही कर लिया हो तो वो भी लिख लेना वापस से, ये वैल्यू जो आपने ली थी ये वैल्यू माइनस का वन प्लस का ये वैल्यू आ रहा था, क्लियर है, हमने इसको उल्टा लिख दिया था, लिख सकते हो आप लेकिन उस कंडीशन में माइनस बाहर ले लो, माइनस हमने बाहर ले लिया और हमारे पास डी का फाइनल रिजल्ट है ये, ठीक है। तो हमारे पास कॉस इनवर्स ये वैल्यू आ गई ऐसे चीज जो हमने यहाँ रखी इंटीग्रेशन की, कॉस इनवर्स जे स्क्वायर यू अपॉन एम के स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टू जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर के बराबर वन बाई टू, क्लियर है। और यहाँ पे हमने वैल्यू जब रखी तो ये माइनस है और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, समझ में आ गया इतना। तो देखो हम इसको वापस से किस पे चेंज कर रहे हैं, ये मैंने वापस से पीछे का रफ करके बताया था, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए इस वजह से, क्लियर है। टू का मान वापस हम इसको वन अपॉन आर रख लेते हैं, तो देखो एक तो हम क्या करें, यहाँ पे थीटा नॉट को वापस हम यहाँ ले आए, तो थीटा माइनस थीटा नॉट डैश, ठीक है, बराबर क्या बच जाएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स और इंटू में यू की वैल्यू वन अपॉन आर रख देते हैं फिर से, तो जे स्क्वायर अपॉन एम के आर, ठीक है, एक ही जगह यू आ रहा है, वन अपॉन आर रख दिया माइनस में वन, ये वैल्यू आ गई एज इट इज, और डिवाइडेड बाई यहाँ तो कहीं यू आ ही नहीं रहा है, तो ये हमारे पास एज इट इज क्या आ जाएगा, वन प्लस टू ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ठीक है, पावर वन बाई टू, ये हमने अभी यू को चेंज कर दिया, ठीक है, वापस से वन अपॉन आर के टर्म में चेंज कर दिया, ठीक है, कॉस इनवर्स को यहाँ ले लें, तो
बराबर में हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा हमारे पास, जे टू ई जे स्क्वायर वन प्लस टू ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ठीक है, पावर वन अपॉन टू बच जाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट, लिख लो। थोड़ी बड़ी है ये डेरिवेशन, इसलिए इस पे एक एक स्टेप को थोड़ा ध्यान से करना। अब हम क्या करें नेक्स्ट, नीचे से जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है पावर वन बाय टू, इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ हमारे पास ओनली ये मान बच जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या मिल जाएगा, वन प्लस टू ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर पावर वन अपॉन टू इन टू में यहाँ के से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट से इनटू में कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट डैश, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे हमने क्या बचा है हमारे पास जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर माइनस वन, क्लियर है, ओनली ये वैल्यू बच गई। अब यहाँ से हम इस वन को भी इधर ले आते हैं प्लस में, तो हमारे पास वैल्यू ओनली किसकी बच जाएगी, जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वन प्लस ये वन इधर आ करके वन प्लस इनटू में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस में वन प्लस टू ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर पावर वन अपॉन टू इंटू में कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट डैश, क्लियर है, हमने यहाँ से सारे वैल्यूज एक तरफ ले ली। अब यहाँ से हम वैल्यू ओनली किसकी निकाल लें, जे स्क्वायर अपॉन में एम के स्क्वायर, ठीक है, के हमने किसका मान लिया था, जब हमने यू के टर्म में लिखा था, यू बराबर के अपॉन आर के टर्म में लिखा था, हम या तो इसको क्या करें वापस से आर के टर्म में लिखते हैं, वैल्यू रखी थी ना, तो जे स्क्वायर अपॉन एम के आर आ रहा था, है ना, जे स्क्वायर अपॉन एम के आर, ये मिस्टेक हुआ है, आप लोग भी क्लियर कर लेना, लास्ट यहाँ पर भी जे स्क्वायर अपॉन एम के आर, हमने जब यू बराबर वन अपॉन आर रखा था तो यू की वैल्यू आई और इसी में रही थी, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गई थी, ये जे स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जे स्क्वायर अपॉन एम के आर, ठीक है, जहाँ जहाँ पे यही थोड़ी बड़ी सी डेरिवेशन है तो कहीं हो सकता है कोई एक आधे स्टेप रह जाए, तो इसलिए आप लोग साथ के साथ आप लोग अपनी कॉपी में करेक्ट करके चलो, ठीक है, कहीं पे अगर रह भी जाए तो, क्योंकि वो बाद में कहीं ना कहीं आकर के आपको ध्यान आ ही जाएगा कि कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ छोड़ी है, ठीक है, तो ये वापस से हम देख लेते हैं, यू की वैल्यू हमने रखी थी वन अपॉन आर में, ठीक है, जब हमने इक्वेशन सिक्स में जब हमने इस इंटीग्रेशन का मान रखा था उसके बाद हमने यू बराबर वन अपॉन आर किया था, तो यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही थी जे स्क्वायर अपॉन एम के यू के टर्म में, ठीक है, तो हमने वहाँ पर वैल्यू डाल दी थी यू बराबर वन अपॉन आर में, जे स्क्वायर यू अपॉन एम के स्क्वायर था तो वहाँ हमने वैल्यू क्या डाल दी थी वन अपॉन आर के टर्म में, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी जे स्क्वायर अपॉन एम के आर, क्लियर है, तो अब यहाँ से हमने सारी की सारी वैल्यू एक तरफ हम भेज चुके हैं ऑलरेडी सब कुछ, अब यहाँ से हम ऑनली वन अपॉन आर का मान रख लेते हैं, ठीक है, ऑनली किसका वन अपॉन आर का, तो बराबर मतलब एम के अपॉन जे स्क्वायर पूरा हम यहाँ भेज देते हैं,
एम के अपॉन जे स्क्वायर को दूसरी तरफ हमने पूरा भेज दिया, ये पूरे के मल्टीप्लाई में जाएगा एम के अपॉन जे स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि आर हमने हटा ही दिया, आर ही तो फाइनल सॉल्यूशन हमें निकालना ही, आर का वैल्यू ही हमें निकालनी है, ठीक है, इसलिए आर को हम कम्प्लीटली यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें आर की वैल्यू रखनी ही पड़ेगी इसमें। हाँ तो यहाँ से देखो वन अपॉन आर की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, एम के अपॉन जे स्क्वायर, बाकी एज इट इज यहाँ लिखो वन प्लस टू ए जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ठीक है, इंटू वन अपॉन टू कॉस इनवर्स सॉरी कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट डैश के, ठीक है, ये हमारे पास एक तरीके से हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वन अपॉन आर के टर्म में ये वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, किसी कांस्टेंट के बराबर इक्वेशन को मानना पड़ेगा, किसी कांस्टेंट के बराबर, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, माना ए बराबर, ये जो एम के अपॉन जे स्क्वायर है इसको हम कोई कांस्टेंट किसके ए के बराबर मान लेंगे, ठीक है, ए बराबर हम क्या मान लेंगे जे स्क्वायर अपॉन एम के हमने मान लिया, ए बराबर हमने क्या मान लिया, कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पर ए, ठीक है, एम के अपॉन सॉरी जे स्क्वायर अपॉन एम के बराबर मान लिया, और इनटू में दूसरी चीज हम क्या मानेंगे एन ई, ई यहाँ पे क्या होता है स्मॉल ई, आपको पता है स्मॉल ई होती है उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, ई ब्रैकेट में लिख लेंगे उत्केंद्रता, वैसे हम बाद में भी लिखेंगे कि यहाँ पर ई उत्केंद्रता है, लेकिन आपको बता दूँ ई यहाँ उत्केंद्रता के टर्म में, ई बराबर हम क्या मान लेंगे इस पूरी वैल्यू को, मतलब ये जो हमारे पास है वन प्लस टू ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ठीक है, इसको मानने का मतलब ये नहीं है हमने अपने अकॉर्डिंग मान लिया, एक्चुअली में जब जो भी हमारा ग्रह है जो भी दीर्घवृत्त का निर्माण कर रहा है उसकी उत्केंद्रता निकाली गई केंद्रीय बल के अंतर्गत, तो उसकी उत्केंद्रता का मान इतना ही आता है, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज है पुट कर दो तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी वन अपॉन आर इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी वन अपॉन ए, ठीक है, इंटू में वन प्लस ये पूरी वैल्यू ई के टर्म में चली गई ई कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट डैश, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया समीकरण नंबर 7 वन अपॉन आर के टर्म में, लिख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना यहाँ ई क्या है उत्केंद्रता, यहाँ ई उत्केंद्रता, आपकी क्या हो गई उत्केंद्रता के बराबर नोट कर लीजिए, थोड़ी कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई, मतलब अब तो पूरा क्लियर है, एक आज में जो भी मिस्टेक हुई तो आप लोग भी अपनी कॉपी में करते टाइम ध्यान से करना, ठीक है, कहीं पे भी कुछ मिस्टेक, हालांकि अगर आप कहीं कुछ मिस्टेक करते भी हो तो आगे कहीं ना कहीं जाके आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन आप फिर से उतना रीचेक करो कहाँ पर मिस्टेक की, तो उसमें टाइम तो फिल होते ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि यदि कंडीशन हमने ले ली थीटा नॉट डैश, हमें पता नहीं है थीटा नॉट डैश क्या था, इस इनिशियल प्रारंभिक जो भी इसका कोण का मान रहा होगा, ठीक है, प्रारंभिक कोण हमें पता नहीं है कितना है, हम मान लेते हैं कि अगर जीरो ही रहा हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ हो गति करना, तो हम क्या बोले यदि थीटा नॉट डैश इक्वल टू जीरो हो तो हमारे पास वन अपॉन आर बराबर क्या आ जाएगा वन अपॉन ए वन प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है समीकरण नंबर 8। और यहाँ से ऑनली आर का मान निकाल सकते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए अपॉन, आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आर इधर ले लो और ए अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी वन प्लस ई कॉस थीटा, ये हमारे पास आर उस इक्वेशन का गति की समीकरण का फाइनल सॉल्यूशन है जहाँ हमारे पास आर का मान मिल जाता है ए अपॉन वन प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है, समीकरण नंबर 9 लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट ही इक्वेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
इक्वेशन आपको याद रखनी है, यहाँ पर ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, उत्केंद्रता को। परिच्छेद का समीकरण है, शंकु के परिच्छेद का समीकरण है, अर्थात कण की गति कैसी होगी, शंकु के आकार की, कण की गति शंकु के आकार की होगी। शंकु के आकार की गति से मतलब क्या है कि उसका पथ शंकु के आकार का बनेगा, ठीक है ना, शंकु के आकार की होगी। गति से मतलब लिख लेना चाहे ब्रैकेट में लिखना, गति मतलब पथ, जो रास्ता बनाएगा कण वो कैसे बनाएगा, किसी शंकु के आकार का हमें लगेगा। अब इसमें नेक्स्ट लिखो, नोट करने के बाद में लिखो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस ई का मान, इस समीकरण से ई का मान अलग अलग हो तो वहां से कण के पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इस ई का मान अगर एक के बराबर है तो, जीरो के बराबर है तो, एक से ज्यादा हो तो, कम हो तो, हमारे पास फाइनल रिजल्ट, हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, आर बराबर ए अपॉन वन प्लस ई कॉस थीटा। ये हमें गति के समीकरण का हल मिला है, आर का मान मिला है, क्लियर है। तो यहाँ से हम इसके तीन चार अलग अलग केस देखते हैं। देखो इसमें, अतः शंकु काट का आकार उत्केंद्रता ई के मान पर निर्भर करता है, उत्केंद्रता ई के मान पर निर्भर करता है।
केंद्रता E के मान पर निर्भर करता है और वस्तु की कुल ऊर्जा के और वस्तु की कुल ऊर्जा के वस्तु की कुल ऊर्जा के धनात्मक ऋणात्मक या शून्य होने पर वस्तु की कुल ऊर्जा के धनात्मक ऋणात्मक या शून्य होने पर निम्न प्रकार निर्भर करता है ठीक है। E यहाँ पे आया है, E हमने किसको माना था, E बराबर हमारे पास क्या आया था, जहाँ आपने लिखा ना नीचे यहाँ उत्केंद्रता है, E बराबर उत्केंद्रता है, वहाँ चाहे E का मान भी लिख लेना, हमने किसको माना था 1 + 2EJ² / mk² इसी को माना था हमने उत्केंद्रता E बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें, तो E का मान क्या है और E का मान खुद किस पर डिपेंड कर रहा है, E यहाँ पे एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे E क्या है, कुल ऊर्जा ही तो है जो संरक्षित रहती है, तो कुल ऊर्जा के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे निर्भर करता है, इसमें लिखो केस फर्स्ट, लिखो केस फर्स्ट, इसमें लिखो जब E बराबर जीरो हो, जब E बराबर जीरो हो, जब E बराबर जीरो हो, ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल E जीरो होने से यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, देखो E बराबर अंडर रूट 1 + 2EJ² / mk² से उनके लिए इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो होगा दोनों तरफ पावर 1/2 ले हमें अंडर रूट को हटाने के, तो जीरो की पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 + 2EJ² / mk² क्लियर है। यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा और यहाँ से अगर हम E का मान निकालना चाहें तो E का मान हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा माइनस, यहाँ करके वैल्यू माइनस की क्या हो जाएगी mk² / 2J². ठीक है, 1 को हम इसके करस्पॉन्डिंग नेग्लिजिबल लेकर के चल रहे हैं इसके, तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा ये -mk² / 2J² के, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात लिखो कर्ण का पथ वृत्ताकार होता है, इस प्रकार से कर्ण इस कंडीशन में बिल्कुल वृत्ताकार स्थिति में गति करेगा, वृत्ताकार होता है तथा कर्ण बद्ध अवस्था में होता है, बाउंड स्टेट में होता है, ऑब्वियसली सी बात है जब इसका पथ पूरा का पूरा कैसा वृत्ताकार हो जाएगा, इसका मतलब कर्ण क्या होगा जिस इतनी दूर में बिल्कुल बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण कैसा बद्ध अवस्था में होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, अंडर रूट को हमने हटा दिया, पावर 1/2, इधर भी 1 की पावर 1/2, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो यहाँ पे 1 को इधर लेके गए, 1 - 1 कितना हो गया 0, और बराबर इधर वैल्यू कितनी हो गई 2EJ² / mk² के, क्लियर है। इसका मतलब यहाँ से E बराबर हमें कितना मिल जाएगा, mk² / J² सब 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, मतलब E बराबर मिल जाएगा 0, मतलब कि जब एसेंट्रिसिटी 1 होगी तो जो पार्टिकल है उसकी कुल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। कर्ण का पथ परवलयाकार होता है, पैराबोलिक, ठीक है, ये पैराबोलिक किसी भी डायरेक्शन में आप ले लो, पैराबोलिक होता है। केस 3
कर लिखो। अगर e की वैल्यू लेस देन 1 हो, मतलब 1 से कोई बहुत कम सी वैल्यू है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि देखो जब e की वैल्यू 0 थी तब हमारे पास एनर्जी का मान कैसा आ रहा था, कुछ भी नेगेटिव वैल्यू आ रही थी हमारे पास। e जब 1 के बराबर आया तो हमारे पास e की वैल्यू एनर्जी 0 आ गई। अब e की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है लेकिन 0 भी नहीं है, मतलब 0 से ज़्यादा और 1 से कम, उन दोनों के बीच में। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो भी हमारे पास कम्प्लीटली 0 भी नहीं आएगी और कम्प्लीटली नेगेटिव भी नहीं आएगी, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि एनर्जी आपकी नेगेटिव की तरफ हो जाएगी, मतलब कि e लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, जब e लेस देन 1 तो एनर्जी लेस देन हो जाएगी 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में कण का पथ कैसा होगा, अर्थात कण का पथ कैसा हो जाएगा हमारे पास, दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि जितने प्लैनेट्स के हमने कैसे बताया मोशन कि वो दीर्घवृत्ताकार कक्षों में गति करती है, इसका मतलब वो सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके लिए उनकी उत्केंद्रता लेस देन 1 होती है और उस टाइम पे उन जो भी पार्टिकल उन कणों की एनर्जी कैसे होती है, लेस देन 0 होती है। मित्रों ठीक है, इसी में हम फोर्थ केस क्या देखेंगे, फोर्थ केस हम लिखते हैं कि जब e ग्रेटर देन 1 हो तो एनर्जी e भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, मतलब कम्प्लीटली 1 भी नहीं होगी लेकिन 0 से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी कुछ ना कुछ। तब कण का पथ कैसा हो जाएगा, अति परवलयाकार। अति परवलयाकार, हाइपरबोलिक, अति परवलयाकार या हाइपरबोलिक। इन चारों जो हमने कंडीशन पढ़ी, इन चारों को हम एक साथ ड्रॉ करके देखते हैं कि हमें कुछ कण की जो पथ मिलेंगे जब कण गति करेगा तो किस प्रकार के पथ मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये ले ली है, ठीक है, अब हम किसके बेस पे बता रहे हैं, ए की वैल्यू उत्केंद्रता कण की किस प्रकार से चेंज हुई है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हमने क्या ली, जब उत्केंद्रता ई बराबर हमारे पास क्या था, 0 था, उस कंडीशन में हमने कण का पथ कैसा बताया था, वृत्ताकार बताया था, मतलब कि बिल्कुल सीधा सा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, e बराबर 0। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, वृत्ताकार। क्लियर है, इस कंडीशन में जो e बराबर हमें मिल गया वृत्ताकार। दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी कि जब e बराबर 1 हो तो उस कंडीशन में हमें वैल्यू कैसे मिली, परवलयाकार मिली, पैराबोलिक मिली। ठीक है, तो यहाँ से पैराबोला बना लो, ये किसी भी डायरेक्शन में हम बना सकते हैं पैराबोला, हो जाएगा। ये किस कंडीशन में हम बता रहे हैं, जब e बराबर 1 है तो ये हमें क्या मिल रहा है, परवलयाकार। ठीक है, केस थर्ड हमने क्या देखा कि जब e की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 हो तो उस कंडीशन में हमें कण का पथ कैसा मिला, दीर्घवृत्ताकार, मतलब इलिप्टिकल मिला। ठीक है, तो इलिप्ट बना लो यहाँ पे, ये किसके लिए मिल रहा है, जब e की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 1 मिल रहा है तो क्या मिल रहा है यहाँ से हमें, दीर्घवृत्त या इलिप्ट। ठीक है, जब e ग्रेटर देन 1 हो, सॉरी जब e लेस देन 1 के लिए था, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 में हमें क्या मिला था, अति परवलयाकार। अति परवलयाकार पैराबोलिक तो ये होता है कि मतलब थोड़ा सा जिस भी अक्ष के दोनों तरफ आप बना रहे हो तो थोड़ा सा उस अक्ष की तरफ होता है, मतलब झुका हुआ, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, जैसे सीधा सा हो जाएगा या ऐसे बना रहे हो तो इसे हो जाएगा। अति परवलयाकार ये हो जाता है, इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल खुला हुआ सा, जैसे हम यहाँ ड्रॉ करें अति परवलयाकार, तो ये स्थिति हो जाएगी।
ठीक है, मतलब कि दूर दूर तक अक्षय से मिलने के कोई चांस नहीं होते। तो यह हमारी किस कंडीशन में है, जब ई ग्रेटर देन वन है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रही है, अति परवलयाकार, हाइपरबॉलिक, अति परवलयाकार हाइपरबॉलिक। कि ये आपके हैं चारों के चारों, जो हमने गति की समीकरण थी हमारी, जो भी हमने m into t square r by dt square के टर्म में जो भी दो इक्वेशन निकाली थी, एक स्पेशली हमारी रेडियल इक्वेशन ही थी जो कि r पर ही निर्भर करती थी। तो हमने उस समीकरण का हल निकाला है किस अवस्था में, जब बल किसके गुरुत्वीय बल के अंतर्गत हो, और गुरुत्वीय बल केंद्रीय बल है, इसका मतलब इंडायरेक्टली केंद्रीय बल के अंतर्गत तो हो ही गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से मतलब हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है कि इस कंडीशन में कण की गति, जो कण का पथ होगा आर, वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी केंद्रता ई पर, और ई खुद किस पर डिपेंड कर रहा है, ई की वैल्यू हमने दी है ये, तो ई खुद आपकी टोटल एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। हमें पता है एनर्जी कंजर्व होती है, अब ई का मान जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे एनर्जी का मान भी वेरी करेगा। तो हमने देख लिया है किस अकॉर्डिंग कि हमें जो पथ कैसा अलग अलग मिल रहा है। अब ये जो पथ हमने बनाया है ये एक्चुअली में ये है कि यहाँ आप ऑनली नोट कर लो इसको, क्योंकि क्या होता है कि पथ एक्चुअली में यहाँ हम अगर उसके बारे में पढ़े कि ये शेप कैसे आया, तो उसके लिए बहुत डिटेल में मैथमेटिक्स का पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, शेप्स बनती है यही की, कि जैसे आप एनर्जी का कुछ वैल्यू लो, ई का वैल्यू लो लेस देन 0-1 पे, आप करके देखो ग्राफ में एक्चुअल में ड्रॉ करोगे आप अलग अलग पैरामीटर पे, तो आपके पास शेप यही आएगी, ठीक है। तो उसके बेस पर हमने बताया है चारों प्रकार की, कि ई के नॉर्मल पॉजिटिव वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू हो, इक्वल टू 1 हो, इक्वल टू 0 हो, तो उसके रेस्पॉन्स में हमारे पास जो गति, जो भी कण है उसकी गति का जो पथ है वो पद कुछ इस प्रकार का मिलेगा। तो ये मेनली चार प्रकार के हमें यहाँ से रिजल्ट मिलते हैं, क्लियर है। ये था आपका टॉपिक, इससे रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल भी है, वो न्यूमेरिकल आपको बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सा है, उसमें जिसमें क्लियरली ई वाली वैल्यू दी उसमें लिख करके और ई का मान निकाल रखा है उसमें ई के, फिर हमने किस पे वेग पर निर्भरता देख रखी है कि उत्केंद्रता कण के वेग पर किस प्रकार से निर्भर करती है, ठीक है। लेकिन वो न्यूमेरिकल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। ये शेप्स वगैरह आप लोग अपनी कॉपी में बढ़िया से बना लेना, इसमें हो सकता है दूर से थोड़ा उतना अच्छा नहीं बन रहा हो, लेकिन आप लोग खुद अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में, इस डेरिवेशन को अच्छे से एक एक स्टेप आप लोग करके देख लेना। थैंक यू।